हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी रोल। इसके लिए हमने 125 ग्राम मैदा ली है, एकदम बारीक वाली, बिल्कुल फाइन मैदा है। इसको हमने छान लिया है और हमने लिया है एक पैन और गैस को हमने स्लो टू मीडियम ऑन कर लिया है। हम लोग पैन में डालेंगे ये मैदा और इसको स्लो फ्लेम पर करके अब हम लोग इसको 3-4 मिनट बढ़िया से भून लेंगे। बस इतना भूनना है कि भून जाए और इसका कलर भी मेंटेन रहे। इसके साथ ही हम लोग लेंगे 125 ग्राम हमने मिल्क पाउडर लिया है। ये अभी हम लोगों का 80 ग्राम मिल्क पाउडर है। अभी हम लोग इसके बाद जो बचा हुआ है वो भी हम लोग इसमें ले लेंगे। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा लेंगे ऑरेंज फूड कलर, इसके साथ लेंगे पाइनएप्पल एसेंस की कुछ ड्रॉप्स और चीनी। तो सबसे पहले हम लोग मैदा को स्लो फ्लेम पर करके भून लेते हैं। बिल्कुल हलवाइयों जैसे रोल बनकर रेडी होंगे और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ डेकोरेशन के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे, बाकी हम बनाते समय ड्राई फ्रूट यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए मैदा भुनने लगी है, पैन हम लोगों का अच्छे से गर्म हो गया है। बस गैस को स्लो फ्लेम पर करकर 3 से 4 मिनट में ये पैन बनकर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनकर रेडी होगी। हलवाई भी इस मिठाई को बनाने के लिए मैदा का ही यूज करते हैं। मैदा को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये भूनकर रेडी हो गई है। गैस को करेंगे बंद और बराबर चलाते रहेंगे और इसके साथ हम लोग ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया है 80 ग्राम इसको मिक्स करेंगे। अब 40 ग्राम हम लोग और इसमें ऐड कर लेंगे। हमने लीजिए ये हमने 40 ग्राम और ले लिया है, इसको भी मिक्स करेंगे और इनको हम लोग अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रखेंगे और इसके बाद हम लोग इसकी बनाएंगे चाशनी। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पर हमने पैन चढ़ा लिया है और हमने ली है 150 ग्राम चीनी। जितनी हम चीनी लेंगे उससे आधी क्वांटिटी में हम लोग पानी लेंगे और इसमें डालकर हम लोग एक तार की चाशनी रेडी करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लेना है और एक तार की लोगों को चाशनी बनानी है। बस इतनी ऐसी चाशनी बनानी है कि वो चिपकने लगे, उसमें एक तार बनने लगे, इतनी हम लोगों को चाशनी बनानी है। चाशनी को हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी एक तार की रेडी नहीं हुई है, थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं 1-2 मिनट, फिर से हम लोग चेक करेंगे। पकाते हुए 1-2 मिनट हो गए हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। लीजिए ये एक तार बनने लगा है, देखिए इस तरह से। अब हम लोग इसको साइड में रखेंगे और जो हम लोगों ने मैदा और मिल्क पाउडर दूसरे पैन में रेडी करके रखा है उसको हम लोग गैस पर चढ़ा देंगे। लीजिए हमने पैन चढ़ा दिया है। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने चाशनी बनाकर रेडी की है वो हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से तीनों चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे और इसमें 1 चम्मच हम लोग डाल देंगे देसी घी।
ये 2 मिनट बस पकाएंगे इसको। मिक्स करने के बाद इसको हम लोगों को पता है कि ये पक चुका है, भुन चुका है अच्छे से और चाशनी भी बनकर हम लोगों की रेडी है, इसलिए हम लोगों को बहुत देर इसको नहीं पकाना है। देखिए मिक्स होने लगा है, अब हम लोग इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें 1 चम्मच घी। अब इनको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमने सभी चीजों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है, गैस को करेंगे बंद और इसको हम लोग एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे। हमने इसको बटर पेपर पर निकाल लिया है, अब हम लोग इस पर डालेंगे पाइनएप्पल एसेंस की 3 से 4 ड्रॉप, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको अच्छे से हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर इसको अच्छे से 1-2 मिनट हम लोग मसल लेते हैं, जिससे ये बढ़िया तरह से प्लेन हो जाए। हल्का सा ये अभी गर्म है, हमने इसको बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसको करेंगे 2 पीसेस में, एक छोटा पीस एक बड़ा पीस। छोटे पीस में हम लोग मिलाएंगे ऑरेंज फूड कलर और बड़ा पीस हम लोग साइड में रख देंगे। थोड़ा सा 1 पिंच ऑरेंज कलर फूड कलर मिलाना है, आपके पास कोई भी कलर हो आप उसको मिला लीजिए, इससे रोल देखने में बहुत अच्छे लगने लगते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी हमने गोल गोल एक लोई बना ली है, इस लोई को हम लोग लंबा लंबा बेल लेंगे। पतला बेलना है क्योंकि हम लोगों को बनाना है रोल, तो रोल ये मोटा तो वैसे भी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को पतला ही बेलकर रेडी करना है इसको। इसी तरह से और लंबा कर लेंगे। लीजिए इसको हमने अच्छे से पूरा लंबा बेल लिया है, इसको रखेंगे साइड में और जो ऑरेंज हमने बना कर रखा है उसे भी हम लोग इसी तरह से पतला सा बेल लेते हैं। लीजिए इसको भी हमने लंबा लंबा बेल लिया है। अब हम लोग वापस से जो हमने बना कर रखा है उसको हम लोग रखेंगे चकले पर और इसको हम लोग इसके ऊपर से पलट देंगे। अब इसको गोल गोल हम लोग रोल कर लेते हैं, अच्छे से रोल करना है, एयर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से रोल करते जाएंगे और ये लीजिए अब इसको हम लोग हाथों से प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे, इस तरह से घुमा के 1-2 मिनट, पतला भी हो जाएगा और ये सेट भी अच्छे से हो जाएगा। लीजिए अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है और अब हम लोग इसके पीसेस कट करेंगे। तो साइड से हम लोग निकाल देंगे थोड़ा, अब इसके ये साइड निकल गए, अब पीसेस कट कर लेते हैं। पतले मोटे जैसे भी आप चाहें वैसे आप कट कर लीजिए। इस तरह से हम लोगों के पीस कट कर रेडी हो रहे हैं, देखिए इसी तरह से हम लोग बाकी के कट कर लेते हैं। लीजिए हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और प्लेट में सर्व कर दिया है। ऊपर से हमने सिल्वर बर्ग से इसकी गार्निशिंग कर दी है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी हो जाती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगी। पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।